ओम यादि सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृतो मा मृतंगमय। दीप ज्योति अखंड दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति तिलक दीपो ज्योति दनाथ दीपो तिमे पापम देवती पै नमोस्तुते। अखंड दीप ज्योति नमोस्तुते हे। ओम पद्य मर्घ्यमात्म सनातन ओम तिलकम समर्पयामि, स्थान समर्पयामि, निवेद्यम धूपम दीपम नमस्कारम करोमि हे। ओम सुपुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि ओम। ओम दीपो ज्योति ब्रह्म ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो रतमो पापम देव दीप नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते अखंड दीप ज्योति नमोस्तुते हे। ओम सोठ मातृका भ्यो ध्यान समर्पयामि, गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री भी जाजा फूल दे दे, हां दोनों रख दे फूल दे बस। ओम सप्तघट मातृका भ्यो वसो पवित्र सदारम वसो पवित्र नाम देवता सविता पुनातु वसो पवित्र काम दुख स्वाहा। सप्तघट मातृकाभ्यो ध्यानम आसनम समर्पयामि, सोष मातृकाभ्यो ओम सोष मातृकाभ्यो आवानम ध्यानम आसनम समर्पयामि। चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो जयंती मंगलाकाली भद्रकाली दुर्गाक्षमा चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो ध्यानम आसनम समर्पयामि। ओम पाद्यमर्घ्यमात्मने स्नानम समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोर शुद्धान्ते वस्त्रोपवस्त्र वस्त्रान्ते तिलकम तिलकान्ते क्षतानक्षान्ते निवेद्यम निवेदयामि। धूपम दीपम पुष्पम पुष्पालां दुर्वांकुरान नमस्कारम करोमि। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदं जाढ्यांधकारापह हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासन संस्थितां वंदे तं परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान सारदा। अनेन पूजेन सोक्ष मातृका सत्कृत मातृका सुतृष्टि योगिनेभ्यो प्रियंता नमस्कार करोमि। यानि कानि च पापानि मान्दकृतानि तानि श्रवणं स्मृत्वा प्रदक्षिणाय। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु यन्त्रक्षितिभ्यो अष्टकुल नाग देवताभ्यो नमः। अनंताद्यान महाकायान नाना मणिविराजितान आवयामि सर्पान फणासन मंडितान। ओम सर्वदेवताभ्यो ध्यान समर्पयामि नमस्कारम करोमि। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्म ओम ब्रह्म के नाम प्रथम पुरुष आदि श्रीमद सुरुचो वे नाम सुतम पुरुष ब्रह्मणे नमः। विष्णु राटमसि विष्णु सुनपते विष्णु सूरसि विष्णु विष्णवे नमः। नमः संभवाय समय भवाय नमः शंकराय नमस्कराय शिवाय सुवितराय अस्त नमः। श्री सत्य लक्ष्मी सपति न भवरात्र महालक्ष्मी नम। ओंकार बिंदु सीक्ति नीति धैमती योग न काम दंदो ओंकार पंचोकार देवताभ्यो ध्यान समर्पयामि। आसन पाद्य मर्घ्यमात स्नान समर्पयामि। स्नानांते पंचामृत स्नानांते शुद्धोदर वस्त्रोपवस्त्र तिलकम समर्पयामि, स्थान निवेद्यम निवेदयामि। धूपम दीपम पुष्पम पुष्पमालां दुर्वांगुरान तमाल पत्रम समर्पयामि। फलम निराफला फलम फलवान दक्षिणाद्रव्यांते नमस्कार करोमि। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रौद्र मरुता स्तोरवन्ति दिव्यस्तै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं विदुसुरासुरगण देवायतास्मै नमः। नेन पूजयन पंचोपकार देवताभ्यो प्रियंतां नमस्कारं करोमि। ओम ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो ध्यानं समर्पयामि। आकृष्णं भूर्वस्वः सूर्याय नमः। ओम भूर्वस्वः चंद्रमसाय नमः। ओम भूर्वस्वः भौमाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनये नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम अधिदेवताभ्यो नमः। ओम प्रतिदिदेवताभ्यो नमः। ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः। ओम दस्तिकपाल देवताभ्यो ध्यानमासनं समर्पयामि। पाद्यमासनान्ते पाद्यमर्घ्यमासनं स्नानान्ते
पंचम स्नानांते सुतोर स्त्रो वस्त्रम वस्त्र वस्त्रांते तिलकम समर्पयामि तिलकम तिलकांत स्थान स्थान निवेद्यम निवेद्यानि निवेद्यानि धूपम दीपम पुष्पम पुष्पमालां दुर्वाण पुराण समर्पयामि ह्योम सुदर्शन मेला लवंगादि तमालपत्रम फलम फलेंद्रिया फल प्रसंग फलम फलांते दक्षिणा नमस्कार करोमि। ओम ब्रह्मा मुरारी श्री प्रांत गारी भानो ससेभो मिस्तो उदास गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति ग्रह भवन्तु सर्वे ग्रहा तुष्टिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा पुष्टिकरा भवन्तु हनि पूजन सूर्यादि नवग्रहभ्यो प्रियंतम नमस्कारम करोमि। ओम ओम भूर्वासु अक्षय त्रिपाल देवताभ्यो ध्यानम समर्पयामि। ओम वंदे देवो पति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पंचभूषण वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांक वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम वंदे शिवम अक्षेत्र एकोन पंचाशत अक्षय त्रिपाल देवताभ्यो आनंद आसन समर्पय स्नानते पाद्य मर्गम आसमे स्नान समर्पयामि। पंचाम स्नानते सुदोदन वस्त्रोपवस्त्रम तेलकम अक्षतान समर्पयामि निवेद्यम निवेदयामि धूपम दीपम पुष्पम पुष्पमालां दुर्वांगुरान मुख सुदर्शन मेला लवंगादि तमालपत्रम फल फल फलामां दक्षिणादर्भ्यो नमस्कारम करोमि। ओम ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय स नमः। ओम एकोन पंचाशत अक्षेत्रपाल देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो ध्यानम समर्पयामि नमस्कारम करोमि। ओम ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो ध्यानम समर्पयामि। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोके कंकतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावले गोपाल श्री परवेश गोपाल चूड़ामणि। ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो आह्वान ध्यानम आसनम समर्पयामि पाद्यमर्घ्यम आसमनम स्नानम स्नानांते पंचामृत स्नानम पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक शुद्धोदकांते वस्त्र उपवस्त्रम वस्त्रांते तिलकम तिलकांत स्थान समर्पयामि स्थान स्थानते निवेद्यम निवेदयामि निवेद्यानि धूपम दीपम पुष्पम पुष्पमालां दुर्वांगुरान समर्पयामि मुखसुदर्थ मेला लवंगादि तमालपत्रम फल फल निरभर फल समर्पयामि फल फलांते दक्षिणाद्रव्यम दक्षिणाद्रव्यम नमस्कारम करोमि। ओम ओम कंठे यश विराजते हि गरलम गंगाजलमस्ते वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सते नंदे स्तंद गणाधि श्री विश्वनाथम प्रभो कांसी मंदिर देवाय तस्मै नमः नेन पूजयन संग स परिवार है। ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो पर्यंतां नमः। ओम मनो ज्योतिर्दुखता माजस्य अभ्यस्य यजमिमं तनोदृष्टे श्री देवस्य माध्यन्तामोह प्रतिष्ठा है। ओम एक फूल चढ़ा दूं बेदी को शो शो ओ चलो मंदिर बहुत सरबंग महाराज की जय। लाइव है तस्वीरें और गांव जयसिंहपुरा के पंचमुखी मंदिर से लाइव है। आज 41 दिवसीय जलधारा शुरू हो चुकी है और महाराज जी जो है अभी मंदिर में पहुंचे हैं और उसके बाद जो है 5 मटकों से ये शुरू की जाएगी और उसके बाद एक दिन 3 मटके एक दिन 2 मटके जो है
108 मटकों पर जो है जलधारा पहुँचेगी। और इससे मैं महाराज अवधेशगिरी जी मंदिर में पूजा करते हुए और उसके बाद जो है जलधारा का शुरुआत होगी। 8 जनवरी 2023 जो है संपन्न होगी और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस समय ये लाइव तस्वीरें गाँव जैसी पुमोरा के पंचमुखी मंदिर से शुरू है। जलधारा का जो समय होता है सुबह 4 बजे का होता है और इस समय ओम कर्पूरगौरम प्रणवतारम संसार सारम सुगेन्द्रहारम सदाशिवम हरिहारम वंदे ओम भवानी सहितम नमामि ओम सांग श्रीपरावण श्री ध्यान समर्पयामि आसनम समर्पयामि नमस्कारम करोमि ओम पाद्यम दत्त ओम पादोश विश्व भूतानि त्रिपादिश्याम रतन देवी त्रिपादोदुदयते पुरुष पादेश्याम रतन तथा विश्व पाद्यम अस्तिवरगे मुख्यादुनि सर्वांगे स्नानम समर्पयामि ओम पंचामतम स्नानम पयहर पृथ्वीयां पयो खदि कोपय दिगंतरिक्षे पयो धाहा पयसुदि प्रतिशत पय स्नानम समर्पयामि पय स्नानान्त शुद्धोदकर स्नानम शुद्धवालसर शुद्धवालमणि वादन वरु पापार्जन्याः शुद्धोदकर स्नानम समर्पयामि शुद्धलान्त ओम दधि स्नानम समर्पयामि ओम दधि स्नानम दधि स्नानान्त शुद्धोदकर स्नानम समर्पयामि शुद्धलान्त गतम स्नान समर्पयामि ओम गतम स्नानान्त शुद्धोदकर स्नानम शुद्धलान्त ओम मधु स्नानम समर्पयामि मधु स्नानान्त शुद्धोदकर स्नानान्त शर्करा स्नानम समर्पयामि शर्करा स्नानान्त शुद्धोदकर स्नानम समर्पयामि ओम ओम अभिषेक समर्पयामि ओम भूभुवस्व नमः लेकिन एक वर्ड शिव ओम नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सुललितचंदन सरसिदाय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ओम नमस्ते रुद्र मनव उतताय खवे नमः बाहुभ्याम जाते रुद्र शिवातन घोरा पापकाशनस्तवाग्री सन्ताजी यामी सुग्री सन्तस्तृष्य शिवाम कृत्रताम कुरु माहि गंगसी पुरुखं जगद शिवेन वत्सा त्वां गिरिशासा वदामसि यथा न सर्वं जगत् सुमनासद अदगोत्सद देवता पथमो दिव्यभिगग हिंसा सर्वान् भजन्तु सर्वास्य जातु धनुधराज पराश्व असताम उग्र सुमंगला ये चरंग रुद्र अभिदो दीक्षित सिर त्रोगों ढीमये असोय सृद्रविलोहित उदयन गोपत सदृश मृडाति नमोस्तु निर्गिर्वाय सहस्राक्षाय मीडु से तो ये सत्वाहम तेभ्यो ग्रमण परमुंस धनोन्तम उभय रात्र जायाम यास्ते हसाई कव प्रता भगवो वपह विजयम विसुल्लोबाण उत निशनस्य आभूष निखंग याते हेदि तुमश्रम भगवते धनु तयासमान मृणतु विश्वत अथो यजितवारे वस्तुश्रिय सलाना मुखाधुनो नमस्ते आयुधान तुभाव्य मुक्ति नमो बाहुव्यम तम धनो ने मानो महंत मुद्दमानो अर्भक मानो क्षुत मुद्दमानो क्षित मानो पितृमानसो के मानो गोकुमान स्वीकृत मानो धानसो धनाम त्र्यंबकम यदा सुगंधि पुष्टिवर्धन त्र्यंबकम यदा सुगंधि पुष्टिवर्धन त्र्यंबकम यदा सुगंधि पुष्टि वस्त्रोपवस्त्र समर्पयामि यज्ञोपवीतम प्रमोद प्रजाति सिंह प्रजाति यज्ञोपवीतम समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतान दे ओम यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतान दे तिलकम समर्पयामि त्र्यंबकम यजामि सुगंधि पुष्टि प्रदान मत्तोर्गंधम समर्पयामि त्वं गंधराखन स्वामी इंद्र स्वामी भवसे
ओम स्थान समर्पयामी स्थान तो थोड़ी बसम ले गई। ओम बसम समर्पयामी प्रसिद्ध बसमना योनि विद्यमान है पसमानते हैं अस्थान समर्पयामी संविधनता विद्यमान अस्थान समर्पयामी स्थान दे। ओम पुष्मा पुष्पमालाम समर्पयामी पुष्प पुष्पमालाम दे। विलोक पत्रम समर्पयामी त्रिगुणम त्रिगाणम त्रिदेत्रिदानि त्रिदिन पाप संहारम विलोक पत्र समर्पयामी। ओम विलोक पत्रम समर्पयामी विलोक पत्रांत है। ओम त्रिशाखे विलोक पत्र से त्रिकोमल सुमित पूजा प्रीश्यामी गृहाण परमेश्वर है। ओम धतुर्फलम समर्पयामी ही ओम धतुर्फलांत है। ओम सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। ओम अघोराय नमः पशुपते नमः शिवाय नमः वेणुपाय नमः सूपाय नमः त्रंबकाय नमः भैरवाय नमः अपरिणय शूलपाणाय नमः सानाय नमः महिषाय नमः। ओम मां देवी नमः शंकरप्रियाय नमः पार्वती नमः गौरी नमः काली नमः कालिंदी नमः कोटरी नमः विश्वधारिणी नमः हंतराम नमः हंतरी नमः गंगा देवी नमः नमः सांगस परिवार। ओम शिव सांब सदा शिवाय नमः ध्यानमासन नमस्कार करोमि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि श्राणि सन्त प्रदीक्षाय दुर्गा दुर्गति हारिणी बुतनो लसत कुंडला। ओम सर्वबाधा विमुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्य तो प्रसाद न भविष्य न संशय सर्वबाधा प्रश्नम त्रिलख कलेश्वरे एवमेवतया कार्यम अस्तवैरि विनाशनम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। ओम ज्ञाने नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलाताकर्ष मोहाय महामाया। 41 दिवसीय जलधारा तपस्या का जो है आज शुरुआत हुई है और आज महाराज जी जो है 5 मटकों से उसको शुरू करेंगे क्योंकि रात को जो मटके हैं वो रात को जल के साथ भर दिए जाते हैं और सुबह 4 बजे महाराज जो है नीचे बैठते हैं और इस समय ले श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य उलंघ्य सिंधु सलेलम सलेलम यह शोकमनी लाइट के चंद्र लाइट आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कंचनम वैदेहि हरणम जटायु मरणम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम तालीस दिवसीय जलधारा आज शुरू हुई है और 5 मटकों से ये शुरू होगी उसके बाद
एक दिन दो मटके, एक दिन तीन मटके जो है बढ़ जाते हैं। सुबह 4 बजे महाराज जी उस जल के नीचे बैठते हैं और 8 जनवरी 2023 को जो है विशाल भंडारे का जो है आयोजन होगा और इस समय महाराज जी पहुँचते हुए और आज शुरुआत हुई है। सभी जो है महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए नमो नमस्ते स्फटिक कुहार सुसिहा सुमन सुभाषा खासना दलादिनाथाय नमो नमस्ते हैं ओम दलादिनाथाय नमो नमस्ते हैं ओम कृष्ण मुखे विष्णु कंठे रुद्र स्वाति मुनि तस्य ब्रह्म दे मद्रिना समर्था कुछ जागा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजे हम भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी दयावती उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणा नताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसेद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यं जरा जन्म दुखोगता तप्यमानम प्रभो पाहि मापा नमामि सशंभो प्रभो पाहि मापा नमामि सशंभो प्रभो पाहि मापा नमामि शंभो हर हर महादेव नमः पार्वती में जा शंकर थोड़ा मंदिर में।
41 दिवसीय शीतल जल की आज जो तपस्या है वो शुरू हुई है। 8 जनवरी 2023 को विशाल भंडारा होगा और इस समय बताना चाहूँगा कि सभी ग्रामवासी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप भी आमंत्रित हैं, आप ज़रूर आएँ। सुबह 4 बजे का समय रहेगा और भी हमारे साथ हैं दादाजी। 41 दिवसीय जलधारा तपस्या शुरू हुई है, क्या सभी के लिए एक मैसेज? देखो जी, एक हमारे समाज कल्याण के लिए हमारे बाबा जी सर्दी के अंदर 41 दिन की जलधारा की तपस्या करते हैं और गर्मी के अंदर अग्नि की तपस्या करते हैं, और ये बिल्कुल समाज कल्याण के लिए भी सुख शांति अमन चैन भाईचारा प्यार प्रेम बना रहे उसके लिए करते हैं। और बाबा जी का और मैं देखो प्रभु का परमात्मा का सबके लिए निमंत्रित हैं, सभी निमंत्रित हैं। सुबह 4 बजे बैठते हैं, आप सभी आएँ और पुण्य के भागी बने। आप जलधारा की तपस्या में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा जी के दर्शन करें और परमात्मा का भजन करें, सभी से मेरी यही प्रार्थना है। चाचा सुग्रमपाल क्या कहेंगे, तपस्या की जाती है गांव राम में जो है शांति बनी रहती है? बिल्कुल शांति बनी रहती है, तपस्या बड़ी बढ़िया करी जाती है। सब तो पहले सब तो राम राम है और बाबा सरपंच बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तपस्या और बहुत बढ़िया गाँव में यू इस तो बढ़िया कोई नहीं, सब गुंडा में भी सारा को बहुत अच्छा है। महाराज अवधेश गिरी और पंचमुखी मंदिर की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। जय सिंहपुरा में हम पहुंचे हैं और इस समय यहां से लाइव हैं। 41 दिवसीय जो जलधारा तपस्या वो आज शुरू हुई है और 8 जनवरी 2023 को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सुबह महाराज जी 4 बजे बैठेंगे, आज 5 मटके हैं, कल 7, फिर जैसे 3, तो एक दिन 2 बढ़ते हैं, एक दिन 3 बढ़ते हैं। और इतना शीतल और इतना ठंडा जल होता है कि आम जो व्यक्ति है वो उंगली भी उसके अंदर नहीं डुबो सकता। एक तपस्या होती है, एक साधु की अपने समाज के प्रति एक आव भाव होता है कि वहाँ शांति बने रहे, और सबसे बड़ा संसारिक शांति के लिए जो है ये उनका एक इसको कहेंगे हठ योग होता है, और जिसमें ये अपने जो शरीर को इस प्रकार से तैयार कहें या फिर वो कहते हैं कि महसूस किया जाता है लेकिन अंदर वो ठंड नहीं लगती। गांव ग्रामीण के सभी जो लोग हैं वो गांव के लोग पहुंचे हुए हैं, आप जरूर आमंत्रित हैं, आप जरूर आएँ, महाराज जी का आशीर्वाद लें और बने रहें संदल चल हरियाणा के साथ पंचमुखी मंदिर। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ महाराज जी बैठेंगे। बाबा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस इतना ही कहना है, जो भी ये महाराज जी कर रहे हैं तब इससे ईश्वर शक्तियों का लाभ ग्राम को भी मिलता है और सेवकों को भी मिलता है। जी जी जी। और हर साधु को कोई कोई कर्म तो करना ही चाहिए जी, गैर कर्म के कोई साधु नहीं। जी जी, बहुत उचित कदम है इनका, सराहनीय कदम है जी। और इनके आशीर्वाद से काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है, 25-30 लड़के तो अमरीका पहुँच गए इनके आशीर्वाद से, एरिया में पूरा नाम है। वो एक दिन आए थे ना, वो देखिए वो आशीर्वाद लेकर के, कई बार ये होता है कि आदमी कोई अच्छा काम करता है तो उसको फल मिलता है। तो इससे मैं बताना चाहूँगा कि ये वो स्थान जहाँ महाराज जी सुबह 4 बजे बैठेंगे, और यहाँ ये पानी के जो मटके हैं आज 5 मटकों से शुरुआत हुई है, उसके बाद 7, फिर 10, और एक दिन 2, एक दिन 3 जो है बढ़ते 108 मटकों पर चले जाएगा। 41वें दिन 8 जनवरी 2023 को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, और ये वो स्थान वो पवित्र स्थान जिसके अंदर नीचे महाराज जी बैठेंगे और सुबह ऊपर से ये ठंडा शीतल जल जो है सुबह 4 बजे के ऊपर डाला जाएगा। तो आप जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर है, गाँव जयसिंहपुरा है, तहसील असंध है, जिला करनाल है, और हरियाणा से हम लाइव हैं, तो आप जरूर जरूर जो है आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे, बने रहें यहाँ संदल चल हरियाणा के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।